आइए एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक शॉप से फिश खरीदती है। दुकानदार एक टैंक में जिसमें 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश हैं, में से एक फिश रैंडमली उसे देने के लिए निकालती है, जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाली गई फिश मेल फिश है? आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में निकाली गई फिश मेल फिश है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ये निकालनी है। तो उस टैंक में टोटल फिश कितने हैं, पहले हमें ये निकालना है। टैंक में 5 मेल फिश प्लस 1 फीमेल फिश, यानी 5 + 8 13 फिशेज हैं। टोटल फिशेज इन द टैंक इज इक्वल टू 5 + 8 इज इक्वल टू 13। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 13। टैंक में टोटल 13 फिशेज हैं, तो अगर वो टैंक से कोई भी फिश निकालेगी तो इन्हीं 13 फिशेज में से वो फिश निकलेगी, और टोटल 13 टाइप्स के फिशेज निकल सकते हैं। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स की संख्या है 13। नंबर ऑफ मेल फिश इन द टैंक इज इक्वल टू 5। टैंक में टोटल 5 मेल फिश है, हेंस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में हमें मेल फिश निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल उस टैंक में 5 मेल फिश हैं। तो अगर हम टैंक से कोई फिश निकाल रहे हैं और वो फिश इन 5 फिशेज में से कोई एक फिश होगी, तो हम उसे मेल फिश निकलने का इवेंट कह सकते हैं। यानी कि इस टैंक में 5 फिश मेल हैं, और हम अगर कोई फिश इस टैंक से निकाल रहे हैं और वो फिश इन 5 फिश में से कोई एक फिश हो, तो हम उसे मेल फिश प्राप्त करने की इवेंट कहेंगे। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स, यानी हमारे पास मेल फिश प्राप्त करने की रिजल्ट के अनुकूल रिजल्टों की संख्या है 5। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 5 और पॉसिबल आउटकम्स है टोटल फिश की संख्या जो है बॉक्स में 13। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/13। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इज इक्वल टू 5/13।